यूक्रेन और रूस में बने युद्ध के हालात को देखते हुए यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। 20,000 रुपये तक में मिलने वाले यूक्रेन के टिकटों के दाम भी बढ़कर 60,000 से 1,00,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। कैथल के दो बच्चे वापस भी आ गए हैं, लेकिन 24 व 26 फरवरी के लिए जो विशेष विमान भेजने की बात की जा रही थी, उसके लिए भी टिकटों की कीमत 3 गुना तक महंगी हो गई है। बच्चों के अभिभावक आज कैथल में डीसी प्रदीप दहिया से मिले। डीसी ने कहा कि वहां पर जो वायलेंस हो रहा है, हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंचा दिया है। एम्बेसी की ओर से भी जो नंबर जारी किए गए हैं, हमने मीडिया को भी दे दिए हैं, ताकि अभिभावक वहां से जानकारी ले सकें। आइए बातचीत करते हैं बच्चों के अभिभावकों से व डीसी प्रदीप दहिया से। मेरा नाम संतोष गोयल है। यूक्रेन का क्या मामला है? यूक्रेन में मेरी गुड़िया गई हुई है, ताकि जब तो सरकार ने कुछ निर्णय लिया नहीं, तो लेट लिया, तो बच्चे की फ्लाइट बुक हो रही थी, अब कैंसिल हो गई। तो बच्चे वहाँ कल्ले हैं, रोन लग रहे हैं। उनते पता था हमने अपना घर जाना, उनते खाना पीना भी स्टोर नहीं कर रखा था। अब तो वहाँ पानी भी की भी पाबंदी लगाई गई, लाइट की भी, टीवी भी, कुछ भी नहीं उनके पास, किसके जरिए टाइम काटते। और सरकार से क्या मांग करते हो आप? फिर मांग यही है, जो भी बच्चे हैं सब अपने अपने घर सुरक्षित हो, सब अपने घर ठीक ठाक आए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहे। आज सुबह भी हुई है, बस सुबह रो रही थी, रोते रोते यही कहा, मम्मी पानी बंद हो गया, ना खाने पीने का, मम्मी कैसे होगा। हमने कहा भी जितने बच्चे हैं इंडिया के सब एक जगह हो लो, तो गेम खेलो, कुछ भी करो, तो सरकार से यही प्रार्थना है, आ जुड़ कर विनती है, अभी हम और कुछ नहीं, यही चाह रहे बच्चे। मेरा नाम रमेश चंद गोयल है, मैं कैथल हुड्डा का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी यूक्रेन में 4th क्लास के में 4 साल से पढ़ाई कर रही थी, आज वो इतनी परेशान है कि सारी फ्लाइटें बंद होगी और वहाँ युद्ध छिड़ गया। 1 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ है, वो खारकीव में ही पढ़ रही थी, खारकीव यूनिवर्सिटी से वहाँ ब्लास्ट हुआ है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि बच्चों को सुरक्षित अपने घर भेजा जाए। माहौल में डरे हुए हैं बच्चे, क्यों परिवार के साथ कुछ और होता है, अकेले बच्चे कुछ और होते हैं, वो सब डरे हुए हैं, क्यों ऊपर से रॉकेट जाते हैं या बराबर ब्लास्ट हो जाता है, तो डर तो लगता है सभी को। प्रशासन के पास हम डीसी साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, भी हमारे बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। मेरा नाम बलजीत मोर है, मैं एडवोकेट हूँ। मेरी बेटी वहाँ खारकीव नेशनल में 5th ईयर में स्टडी कर रही है। पिछले 1-1.5 महीने से बार बार रसिया की तरफ से थ्रेटन आ रहा था यूक्रेन के अंदर कि भाई हमला हो सकता है। इंडियन जो मीडिया है उसके अंदर भी ये चली हुई थी कि भाई हमला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई उसके अंदर अपनी रुचि नहीं दिखाई बच्चों को निकालने की। यूनिवर्सिटी कल तक ऑफलाइन क्लासेज लगा रही थी, कल तक, और आज भी ऑनलाइन क्लासेज लगनी थी अगर ये आज बम्बार्डमेंट रात को नहीं होती तो। तो कितनी फ्लाइटें इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की हैं? 3 फ्लाइट थी, 22, 24 और 26। 22 की फ्लाइट में 242 बच्चे आए, 24 वाली फ्लाइट कैंसिल हुई, तो एक फ्लाइट में 20,000 बच्चों को निकालने की तैयारी थी क्या इंडियन गवर्नमेंट की? माहौल वहाँ बच्चे ये बताते हैं, कल तक माहौल कुछ ठीक था, लेकिन आज स्थिति ये है कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं स्टोर के ऊपर, राशन पानी बंद खत्म हो चुका है, पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है, बिजली कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है और नेट भी कभी भी बंद हो सकता है, एक ब्लैक जोन में जा सकता है। वो खारकीव शहर है जो, वहाँ काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट खारकीव शहर के अंदर ही है। मेरा नाम मनोज चौहान है जी। आपके घर से कौन गया है यूक्रेन? मेरी बिटिया गई हुई है सर। क्या, कौन सी पढ़ाई कर रही है? MBBS के लिए। तो सर किस तरह का माहौल है वहाँ? माहौल बड़ा तनावपूर्ण माहौल है सर, और वो है ना 1st ईयर में गई है सर MBBS में, अभी बात हुई है जी वहाँ पे, खारकीव यूनिवर्सिटी में है सर, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सर। वहाँ तो अभी दुकानों पे उन्होंने बोल दिया भी आप है ना 7 दिन का 8 दिन का सामान इकट्ठा कर लो, तो वो दुकानों पे जा रहे हैं जी। वहाँ पे केमिस्ट की शॉप पे है सर, जहाँ से पानी लेके आते हैं, पानी भी वहाँ जो दुकानों से आता है सर, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी सर। वहाँ पे प्रशासन से हम ये मांग करते हैं सर, सरकार को एकदम क्विक डिसीजन लेना चाहिए। हमारे 20,000 स्टूडेंट गए हैं वहाँ, वो भारत के लिए गए हुए हैं, वो भारत को यहाँ पे एक डॉक्टर बन के आएंगे, कोई इंजीनियर बन के आएगा, वो भारत के लिए काम कर रहे हैं सर, और एकदम से एयरलिफ्ट करके सर उनको तुरंत मोदी सरकार को सर उनके बच्चों को बचाना चाहिए और एकदम से उनको यहाँ लेके आना चाहिए। यूक्रेन में जो हालात बिगड़े हैं और जो अभिभावक हैं उन बच्चों के आपसे मिले थे जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, तो क्या उनकी डिमांड थी और क्या प्रशासन के खिलाफ देखिए विक्रम जी, आज हमसे तकरीबन 20 अभिभावक मिले थे जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने गए हुए हैं,
वो मेडिकल की और अन्य कोर्स की पढ़ाई करने हुए यूक्रेन गए थे, लेकिन जो अभी वहाँ पर सिचुएशन वोलेटाइल है, वायलेंस हो रहा है वहाँ पर, तो उनका कहना ये था कि भारत सरकार और राज्य सरकार उनको राहत दे और उनके बच्चों को यहाँ लाने में मदद करे। तो मैंने जो ज्ञापन था उनका मुख्यमंत्री ऑफिस पहुँचवा दिया है। इसके साथ साथ मैंने अपने बैचमेट से बात किया है और जो वहाँ से नंबर जारी किए गए हैं एम्बेसी की तरफ से, वो हमने मीडिया को प्रोवाइड कराए हैं, आपको भी वो मैं नंबर्स दे दूँगा ताकि अभिभावक वहाँ पर अपना जो है जानकारी ले सकें। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ज़रूर कोई ना कोई अरेंजमेंट करेगी। मेरे बैचमेट से बात हुई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में पोस्टेड है अभी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अभी उसके प्रयास में लगी हुई है कि ताकि एयरलिफ्ट कराया जा सके सभी बच्चों को। सर, अगर कैथल की बात करें, कैथल जिले की, तो कितने बच्चे? देखिए, ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ये डेटा भारत सरकार लेवल पर मैनेज होता है, जिला प्रशासन के पास ये डेटा नहीं होता है। लेकिन तकरीबन लोगों ने जो बताया हमें, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन यूक्रेन का कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा मेरे पास नहीं है।